अपने पिछले 15 सालों के अनुभवों से एक चीज मैंने सीखी थी कि सीखने की एक प्रक्रिया होती है और उसके लिए एक लंबा समय लगता है। हमारे यहाँ हजारों छात्र आते थे, उन छात्रों की एक सामान्य बात ये थी कि वो आईएएस तो बनना चाहते थे पर उस लंबी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार नहीं थे। शायद उस समय उम्र का दबाव भी होता है, क्योंकि 24-25 साल की उम्र में जब आप कुछ पढ़ने आते हैं और वो दबाव आपके ऊपर हमेशा आपकी चेतना पर हावी रहता है। हर साल हमारे यहाँ 1500 से 2000 बच्चे तक एंट्रेंस देते हैं, उसमें से हम केवल 100 बच्चों को चुनते हैं। उन बच्चों का जो टेस्ट का पैटर्न होता है उसमें उनका जनरल नॉलेज होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं जिससे उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया सके, और एक प्रशासक के लिए उसका मेंटल कैलिबर चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा हम कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग विषयों के भी पूछते हैं कि बच्चे की रुचि हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी क्या है, कि जिससे हम उन योग्य बच्चों को चुन सकें जिनके जीवन में एक सपना है, ड्रीम है आईएएस बनना, और उनकी क्षमता भी है कि वो आईएएस बन सके, इसकी हम पहचान कर सकें। मैंने उड़ान का एंट्रेंस दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था और फाइनली मेरा एडमिशन हो गया उड़ान के 3 ईयर प्रोग्राम में। आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो। उड़ान प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है, 3 साल तक मैं खूब मेहनत करूंगी अपने ग्रेजुएशन के साथ, इसमें पढ़ूंगी और अपने लक्ष्य को जरूर जरूर प्राप्त करूंगी। कि उड़ान में मैं 2 साल अपना कंप्लीट कर चुका हूं, तो उड़ान इज ऑल अबाउट अ जर्नी, इट्स अ जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। मैं फ्रेंकली अपनी बात बताऊं तो 1 साल तो आपको लग जाएंगे यूपीएससी के सिलेबस को समझने में, तो हमारे लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहा है कि हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान के अनुसार फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एक मिशन की तरह हम करते हैं। मैं जब उड़ान को मैंने ज्वाइन किया तो एक मेरे पास गोल तो था लेकिन एक विजन, एक स्ट्रेटेजी नहीं थी कि कैसे मुझे स्टार्ट करना है। सो व्हेन आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट आई वाज गिवन प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द वेरी स्टेप 1 टू द स्टेप लास्ट। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया और आज की जर्नी तक, मैं इसको एक इवेलुएट करूँगी एज अ जर्नी, एज अ मिशन जो कि एक स्टेप की तरह स्टार्ट हुआ। ये एक ऐसा है जैसे एक फूल खिलता है, सो फर्स्ट वी लाइक द सीड्स हु आर प्लांटेड हियर और फाइनली हम इमर्ज करते हैं एक फ्लावर की तरह। यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, एक सिंसेरिटी आई है, चीज़ों को अलग तरीके से देखने का नजरिया आ गया है। आई फील आई एम अ बिट डिफरेंट फ्रॉम देम एंड ऑन द होल आई कैन से उड़ान इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर मी। कई माँ बाप मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा सिविल सर्विसेज बनेगा ये तो आगे की बात है, पर उनके अंदर अनुशासन आ गया। वो कम है, सारी बातें समझना बहुत समझदारी आई। ग्रेजुएशन के साथ कोचिंग को मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट शी इज कोपिंग विद दैट एंड शी इज डूइंग इट वेरी फाइन। उनके कॉलेज की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, वहां भी इन्होंने आईटी में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक आई है। वेल देयर आल्सो आईटी में भी फर्स्ट रैंक आई है इनकी। तो ध्येय आईएएस ये भी प्रयास करता है अपने उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से कि उन बच्चों को चयन करें जिनके सपने हैं जीवन में, जो कुछ करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि वो जीवन में न केवल आईएएस ही बने पर आईएएस बन के इस राष्ट्र की रचनात्मकता में भी अपना कोई योगदान। हम लोग अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के माध्यम से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे गरीब बच्चों को चुनते हैं जो संसाधनों के कारण जीवन में कुछ करना चाह रहे थे नहीं कर पाए, उन्हें हम प्रमोट करते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं, उन्हें और भी तरीके से मदद करते हैं। ध्येय आईएएस हमेशा से बच्चों के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में हम कह सकते हैं कि पहला विकल्प रहा। पिछले 15 सालों में 1000 से ज़्यादा सफलताएं ध्येय आईएएस में मिली हैं और इस साल सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी 127 बच्चे फाइनली हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए, तो हमने बताया है कि हम सबसे बेहतर विकल्प।